नई दिन नई शाम, अभी जाने वाले हैं सनसेट देखने। ये संडे का टाइम है, थोड़ी देर बाद दिखाते हैं मोटो ब्लॉगिंग के साथ। चलिए फिर से आ गए अपने शैडो के साथ। पेट्रोल सेव करते हैं अभी के लिए, ऑफ है। ये रहा दीदी लोग, यहाँ पर वेट कर रहे थे। अभी हम लोग जाने वाले हैं सनसेट देखने बोरोपानी के। और सनसेट देखना है तो अभी के टाइम में ही जाना अच्छा है। और वैसे भी आज तो संडे है तो ट्रैफिक जाम भी इतना नहीं होगा। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी बाइक। जैसा कि पहले आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने प्रॉपर सेटअप हो चुका था तभी मैं इस रास्ते से आया था। और लास्ट टाइम हम लोगों ने इस फील्ड में स्पोर्ट मीट किया था। ये रास्ता एक तरफ से आप लोग बोल सकते हैं कि शॉर्टकट रास्ता है, वहाँ ऊपर से भी आ सकते हैं यहाँ से, लेकिन वहाँ से थोड़ा लॉन्ग कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से शॉर्टकट है। आज संडे है तो इतना ट्रैफिक जाम भी नहीं है। शाम के टाइम में सब लोग आके चिल मार रहे हैं। चिल क्या, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बात को समझो यार। वो वाला चिल नहीं है। रुको, पहले ऊपर का ये जो गार्ड है मैं क्लोज कर लेता हूँ ताकि आवाज़ अच्छे से आए। अभी आवाज़ क्लियर आ रहा होगा आप लोग के पास। अभी धूप ही धूप है क्योंकि शाम का टाइम 3:30 ऐसा कुछ है, परफेक्ट टाइम है। पहुँचते पहुँचते हम लोग शाम हो जाएंगे और सनसेट दिखने को मिलेगा। दीदी लोग पीछे रह गए, हमने सोचा कि वो लोग आगे चले गए। फिलहाल हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं उन लोगों का। पेट्रोल पंप में पेट्रोल ले रहे थे भाई लोगों के साथ, तो चलिए वेट करते हैं वो लोग आते हैं तब आप लोगों को दिखाते हैं। ये रहा दीदी लोग आ चुके हैं, अपना मोटा दीदी। आज की सनसेट मोटा दीदी के नाम। क्लास बंद कर लेता हूँ फिलहाल, क्लास बंद कर लेता हूँ फिलहाल। ए देखो, बोला था ओवरटेक नहीं करने को, एक्सीडेंट हो गया ना भाई लोग। थोड़ी देर पहले धूप था और अभी भी धूप आ रहा है, धूप आ रहा है, धूप जा रहा है, फिर से धूप आ रहा है। शिलांग में ना वेदर अनप्रिडिक्टेबल है। आप सोच रहे होंगे कि अभी धूप आ रहा है, किसे पता अचानक से बारिश भी आ सकता है, नो गारंटी। फिलहाल अभी शाम हो चुका है, शिलांग के साइड में तो बारिश आ नहीं रहा है। पता नहीं, बारिश थोड़ा थोड़ा आ रहा है इधर साइड में। कैमरा भी भीग चुका है या पता नहीं, डिस्प्ले में आप लोगों को देख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम लोग तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अरे यार, बारिश ही आ रहा है इधर साइड तो, इतना ज़्यादा भी नहीं है। सनसेट देखने आए थे, उल्टा ही हो गया। ठंड बहुत है गाइस इधर साइड में। पता नहीं अपना मोटा दीदी कैसे स्टाइल मार रहा है पीछे वेट कर। तुम मचाले। बस में कहाँ में रोकना है, यहाँ में रोक देते हैं और उधर साइड में रहते हैं। कभी सोचा ना था ऐसा भी दिन आएगा। शाम के टाइम में चलो पहले साइड कर देते हैं। बारिश की वजह से यहाँ रुकना पड़ रहा है। देखो फिलहाल हम लोग ये पास का रेस्टोरेंट है वहाँ में जा रहे हैं। चलते हैं, चलते हैं।
चलिए। अरे रे 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 सब भीग चुका है। बाहर बहुत बारिश तेज है। अभी हम सर लोगों के साथ आए हैं और दीदी लोग ऑलरेडी अंदर जा चुका है। चलिए अभी हम लोग भी जाने वाले हैं, हम लोग नीचे चल के दिखाते हैं ये रेस्टोरेंट। चलिए 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 नीचे की ओर। कैसा है? अरे वाह, ऊपर तो क्रिसमस की याद दिला दिया रे। टिफिन हो चुका है तो अभी चलते हैं ऊपर की ओर। बारिश भी रुक चुका है तो चलिए। अपना हेलमेट ले लेते हैं तो चलिए। ओके मैं ये रहा जगह। बारिश रुक चुका है, अभी मौसम अच्छा है, देखिए नज़ारा। चलिए बाइक के पास जाके अपडेट देते हैं। चलिए अभी बारिश रुक चुका है, अभी जाने वाले हैं सनसेट देखने, देखने को मिलेगा या नहीं। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सीधा अपनी डेस्टिनेशन की ओर। अपना दीदी लोग पीछे है, हम लोग आगे आगे जा रहे हैं। जैसा कि बारिश आने से पहले मैंने कहा था, शिलोंग का वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, अचानक से बारिश भी आने का चांसेस है। थोड़ी देर पहले तो धूप ही धूप आ रहा था, लेकिन अचानक से आप लोगों ने देखा ही होगा बारिश की वजह से हम लोग को रोकना पड़ा। खैर बारिश तो आ चुका है इस साइड में, तो अभी उस साइड में आ रहा होगा, मतलब कि शिलोंग साइड में मेन टाउन की तरफ। अरे यार फिर से बारिश आ रहा है ना क्या? थोड़ा थोड़ा बूंद अभी भी टपक रहा है। डर लगता है रे बारिश आने के बाद चलाना, अचानक से स्लिप भी हो सकता है। देखो टायर के पास से जो ऐसा करके पानी जो अभी अभी देख रहा था, वो वेव टायर घिसने की वजह से वो वेव जो निकलता है ना पानी का, वो देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बारिश के बाद चलाना थोड़ा रिस्की भी है क्योंकि स्लिपरी हो जाता है ना। ये देखो अभी क्या होगा, ए चिच्चा लगने वाला है रे, ये कीचड़ किया जाता है कीचड़ लगने से भी। अपना पेंट तो वैसे ही गंदा हो चुका है बारिश की वजह से। ओ चिच्चा, ओ चिच्चा, ओ चिच्चा, पूरा भीगा दिया रे। वो गाना याद आ गया ये भीगने की वजह से, भीगे भीगे, लिरिक्स ही भूल गया क्या, भीगे भीगे। आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा गाना है बारिश के टाइम में। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इतना तो सह लेंगे हम लोग। ये तो अपना ही भाई लोग है रे बाबा, सब लोग केटीएम है रे बाबा, अपना फैमिली है रे बाबा। अरे मजाक कर रहा हूँ। गुवाहाटी और शिलोंग का ये बीचों बीच क्रॉसिंग भी बोल सकते हैं, ये जगह को आप लोग बाईपास भी बोल सकते हैं। जब लॉकडाउन था तब क्या होता था कि हम लोगों को दूसरा है ऊपर से जाने का रास्ता, वहाँ में वहाँ से नहीं जाने देते, यहाँ से आना पड़ता था रात के टाइम में। ये जो ब्रिज देख रहे हैं ना आप लोग, नीचे से होके आना पड़ता था। लेकिन अभी तो लॉकडाउन नहीं है, कोरोना भी नहीं है, तो फिर आ सकते हैं, जहाँ भी आ सकते हैं, इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है शिलोंग में अभी के लिए। फिलहाल हम लोग इस ब्रिज के ऊपर जाने वाले हैं, ऊपर में जाके देखेंगे क्या है। थोड़ी देर पहले आप लोग को दिखाया था ये जो ऊपर वाला, लेकिन हम लोग वहाँ से दूसरा जगह था, वहाँ से इधर घूम के चले आए, ये दूसरा साइड है। इधर जाना पड़ेगा,
ये तो टोल गेट हो गया रे बाबा, हम लोग को जाना पड़ेगा इधर अपने दूसरे साइड की ओर। चलिए, व्यूज तो कितना अच्छा है। ओ हो हो, आप लोग को दिखाई दे रहा है, अरे बाइक को पार्क लगा देते हैं और उसके बाद दिखाते हैं सिनेमैटिक। पार्क लग चुका है लेकिन ऊपर देखिए, पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, फाइन 2000। लेकिन आज तो संडे है, कोई बात नहीं, संडे के टाइम में तो कौन भी पकड़ेगा, राइट? कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो दिखाते हैं यहाँ का व्यूज। ये देखिए, ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखिए बहुत सारा लोग आ रहे हैं यहाँ में सिर्फ ये व्यूज देखने के लिए। ऐसा दिखाई देता है, हम लोग वहाँ से आए थे और यहाँ से घूम के इधर से आना पड़ा ऊपर में। अभी दीदी लोग फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ में। आप लोग बताइए नज़ारा कैसा है। पुलिस वुलिस आने से पहले हम लोग को ये बाइक्स वगैरह लेके जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने कहा आज तो संडे है तो फिर फ्री टाइम है। अभी ग्रुप फोटो होने वाला है फिर से। फाइनली फोटो शूट डन हो चुका है, आप लोग देखिए कैसा लगा बताइए। वैसे सनसेट तो ढल ही चुका है, हो चुका है अभी। हम लोग जाने वाले हैं अपने घर की ओर अभी। चलिए अपना हेलमेट ले लेते हैं। तो नीचे जाने के बाद आप लोग को दिखाते हैं कि अभी हेलमेट वेलमेट पहन लेते हैं, उसके बाद देते हैं आप नीचे जाके। अरे कंट्रोल, अरे वाह, इधर और भी है देखने को। ये रही है, देखिए गाइस आप लोगों को कैसा लग रहा है। घर जाने वाले थे, फोटो शूट फिर से चल गया, तो अभी जाने वाले हैं। जाने से पहले कॉन्ग क्वाई खा रहा है, इधर देखो कैसे चबाते हैं, देखो मुंह से चबा के दिखाने वाले हैं अभी। देखो देखो चलिए अभी चलते हैं। सब लोग संडे के टाइम में टाइम स्पेंड करने आए हैं यहाँ ऊपर में, देखिए बहुत सारा लोग है। उधर पीछे से लेकर इधर तक पूरा फुल ही फुल है, क्योंकि अच्छे से शाम का टाइम हम स्पेंड करने के लिए आए हैं। मौसम भी अच्छा है लेकिन बीच में बारिश आने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। उधर से घूम के हम लोग इधर आ चुके हैं, तो अभी जाने का टाइम है। टे वाइटे सब कुछ जल चुका है, रात का टाइम है ना, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने घर की ओर। ये हम लोगों ने कट मारा है लाइमू से इधर नोथमाई, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ये रामाकृष्णा हॉस्पिटल के सामने। इधर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है उसके वजह से हम लोग इधर से आ गए घूम के। खिड़की साइड से ज़्यादातर ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक पॉइंट है ना, तो ज़्यादातर ट्रैफिक दिखाई देता है। तो चलो शॉर्टकट रास्ता ही अपनाते हैं।
चलो चलो इधर पार्क में लगा देते हैं। हो गया तो घर के अंदर चल के मिलते हैं। बहुत थक गया था तो फिर हाथ पैर धो के अभी फ्रेश हो चुके हैं। अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, रूम पे भी आ चुके हैं। उम्मीद है आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।